एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ डॉट एंड की स्किन केयर की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन विद एसपीएफ 50 पीए फॉर टाइम प्लस के बारे में। ये सनस्क्रीन कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आती है एंड इसका प्राइस है 549 रुपीज़, जिसमें आपको 50 ml प्रोडक्ट मिलता है एंड आप इसे 2 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। इस सनस्क्रीन की टोटल 3 शेड अवेलेबल हैं, जिसमें से मेरे पास जो शेड है वो है 01 पोर्सिलेन। एंड ये जो सनस्क्रीन है ये 100% सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है एंड सभी स्किन टाइप के लिए ये सूटेबल है। इसके इनर पैकेजिंग की मैं बात करूं तो ये छोटू सी क्यूट सी प्लास्टिक की बॉटल में आती है और इस बॉटल पर वो सारी इंफॉर्मेशन दी गई है जो इसके कार्डबोर्ड पैकेजिंग पर दी गई है। अब मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ। तो पोर्सिलेन जो शेड है वो कुछ इस टाइप का है, जो फेयर स्किन के लिए परफेक्ट है। एंड ये सनस्क्रीन बहुत ही लाइट वेट है, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। अब मैं आपको ये सनस्क्रीन मेरे फेस पर अप्लाई करके इसके रिजल्ट दिखाती हूँ कि इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद स्किन में क्या डिफरेंस आता है। अब मैं मेरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ डॉट एंड की स्किन केयर की स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन। मैंने इसे अपने 3 फिंगर्स पर लिया है और ये सनस्क्रीन आपको अपने स्किन केयर रूटीन के आखिरी स्टेप में अप्लाई करनी है। मैं पहले मेरे हाफ फेस पर ये सनस्क्रीन अप्लाई करके दिखाती हूँ कि इससे स्किन में क्या डिफरेंस आता है। दोस्तों, ये सनस्क्रीन बहुत ही लाइट वेट है एंड स्किन पर बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि फेस के जो दाग धब्बे हैं वो कम विजिबल होते हैं एंड ये हमारी स्किन को नेचुरल लुक देती है। तो इसको अप्लाई करने के बाद जो स्किन में डिफरेंस आता है वो क्लियरली विजिबल होता है। अब मैं मेरे बचे हुए हाफ फेस पर भी ये सनस्क्रीन अप्लाई कर लूँगी। इसमें स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट है जो हमारी डैमेज स्किन को रिपेयर करते हैं एंड स्किन बहुत ही फ्रेश फील करती है। साथ ही इसमें नियासिनमाइड है जो स्किन से दाग धब्बों को रिड्यूस करती है एंड हाइलुरोनिक एसिड है जो हमारी स्किन को हाइड्रेशन देता है। साथ ही इसमें एसपीएफ 50 पीए 4 टाइम प्लस है जो हमारी स्किन को यूवीए एंड यूवीबी रेज से प्रोटेक्शन देता है। सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये स्किन पर कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है एंड ये हमारी स्किन को नेचुरल फिनिश लुक देती है और स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा या ऑयली नहीं बनाती है। दोस्तों, प्रीवियस क्लिप में आपने इस सनस्क्रीन के मेरी स्किन पर रिजल्ट देखे और आपने देखा कि इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद स्किन में क्या डिफरेंस आता है। डॉट एंड की स्किन केयर की ये स्ट्रॉबेरी ड्यू टिंटेड सनस्क्रीन डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है एंड मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। उसके पीछे एक नहीं बल्कि बहुत सारे रीज़न है। पहला तो ये है कि ये सनस्क्रीन बहुत ही लाइट वेट है एंड बहुत ईजिली ये ब्लेंड हो जाती है। इसको अप्लाई करने के बाद ये हमारी स्किन पर कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ती है, ना ही ये हमारी स्किन को चिपचिपा बनाती है। स्किन पर बहुत ही लाइट वेट रहती है। इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद फेस के जो दाग धब्बे हैं वो भी बहुत कम विजिबल होते हैं, ये हमारी स्किन को अच्छा खासा कवरेज देती है। इसको अप्लाई करने के बाद ये हमारी स्किन को नेचुरल फिनिश लुक देती है। दोस्तों, इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं लगता कोई भी आपको बीबी या सीसी क्रीम अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये बीबी एंड सीसी क्रीम जो भी कह लो, उसके साथ साथ सनस्क्रीन दोनों का ही काम करती है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये सनस्क्रीन आपको अपने स्किन केयर रूटीन के आखिरी स्टेप में अप्लाई करनी है। धूप में निकलने से 15 मिनट पहले आपको इसका इस्तेमाल करना है। सो डॉट एंड की स्किन केयर की ये टिंटेड सनस्क्रीन मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। इसके जो रिजल्ट हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई हूँ इसके रिजल्ट से। ये सभी स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये हमारी स्किन को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं बनाती है, तो ऑयली स्किन वालों के लिए भी ये एकदम परफेक्ट है। तो अगर आप भी इस सनस्क्रीन को ट्राई करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप वहां से चेकआउट कर लेना। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए। अब मैं आपसे मिलती हूं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।